किस के स्टार्ट हो गया और क्या करूँ, टाइम हो गया तो स्टार्ट हो गया। ये किसके लिए दिया मुझे? मसाला मिक्स करने के लिए। अमचूर पाउडर डाल दो। अमचूर मैं नहीं डाल रही हूँ, मासी ने बोला अमचूर नहीं डाल। अच्छा इसे हटा दो। हाँ जो जो करने की जरूरत नहीं है वो हटा दे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम क्या मनाचो और क्या क्या भाषा आती है? कशकाय मुंबई मराठी में कैसे बोलते हैं श्रुति? कशाय। और गुजराती में केम छो? और लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती। साउथ इंडियन भी सीखा था मैंने जब मैं एड्स करती थी लेकिन अभी नहीं आती। हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल एट 4 o'clock। हाउ डू यू लाइक दिस टाइम? मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स को एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आज पर्टिकुलरली मैंने 4 बजे इसलिए किया क्योंकि आज रात को मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी बाहर जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया जाए लाइव और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बट गुड टू सी ऑल ऑफ यू इन सच गुड नंबर्स। यू लाइक माई इयर रिंग्स? थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने इसे पहले भी पहना है। की हाल चाल इन पंजाबी? सत श्री अकाल। मैं क्या सी पंजाबी मैंने बड़ी चंगी आती है गाइस, आफ्टर ऑल मैं हाफ सरदारनी हूँ सो दैट इज नेवर रियली अ प्रॉब्लम। पंजाबी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बंगाली इज ऑल्सो क्वाइट नॉट अ प्रॉब्लम। मैं धनबाद में और कैलकटा में पली बड़ी हूँ तो आई थिंक ये दो लैंग्वेजेस हैं विच आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद। थैंक यू सो मच। ओह यस माय स्माइल इज हार्ट ब्रेकिंग। प्लीज हार्ट मत तोड़िए, हार्ट को इस्तेमाल कीजिए ये देखने के लिए कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं ना बड़ा सिंपल सा खाना बना रही हूँ और आज बड़ी गुफ्तगू हो रही थी मेरी टीम और मेरे बीच में कि फ्राइडे को आप कैसे टिंडे बना सकते हैं, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी घर में भी। श्रुति तो एक वो लेके बैठ जा, बैठ जा आराम से। हाँ तो कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि टिंडे कैसे बन सकते हैं फ्राइडे के दिन। यार टिंडे बड़े हेल्दी होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं और ये जो मेरी स्टाइल, जो मेरी मम्मी के स्टाइल के मैं आज टिंडे बना रही हूँ जो मैंने अपनी मासी से कॉल करके कंफर्म किए। मासी आई थिंक आई शुड बी इन बेटर नेटवर्क, हर बार एक आध चीज मैं भूल जाती हूँ। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी सी मी ऑल अंडर कंट्रोल। Hello, Geets. Good to see you here for a change. Happy Vishu. Yes, my South Indian darling teammate. By the way, यही मेरे सारे videos shoot करती है और कल वो जो चाय के साथ बनाना और ब्रेड पता नहीं क्या क्या वो फोटो आपने देखी थी वो ये गीत है रियल serendipitous। ये देख लो, इसको जरा अटैक करना बिकॉज ऐसी अजीब अजीब कॉम्बिनेशन खाने की ना मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ओके लेट्स बिगिन एंड लेट मी क्वाइटली एंड क्विकली टेल यू व्हाट आई एम मेकिंग। क्वाइटली तो मेरे से होता नहीं है, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज बन रहे हैं टिंडे की सब्जी, भरवे टिंडे, अमेजिंग यमी स्टाइल, मासी अप्रूव्ड। फिर बन रहा है दाल पालक, मदर इन लॉ अप्रूव्ड। एंड बन रहे हैं आम की चटनी, खट्टी मीठी आम की चटनी। ये छोटे छोटे आम, ये हर शेप और साइज के आज कच्चे आम आए हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी जो आम बनाते हैं वो तो आम की चटनी बनाते हैं वो ना काफी वो थोड़े कच्चे पक्के जो आम होते हैं उस टाइप के बनाते हैं, लेकिन उस टाइप के मुझे मिले नहीं, थोड़े कच्चे ही हैं। लेकिन अभी मैं टिंडे के साथ स्टार्ट कर रही हूँ तो टिंडों को ऐसे छिलना है। ये सारे छिलके हैं, मुझे एक छिलके दिखाना था कैमरा में। एक टिंडा है बिना छिला हुआ तो मुझे दे दो। तो मुझे दिखाना है कि आपने ना पीलर से नहीं छीलना है इस टिंडों को, जस्ट छुरी से हल्का हल्का छीलना है ताकि उसका वो जो हल्का सा वो स्किन है वो इंटैक्ट रहे। बिकॉज हम भरवे टिंडे बना रहे हैं इसलिए ये जरूरी है कि इट होल्ड्स इट्स शेप, वरना वो बड़ी जल्दी पक जाते हैं एंड इट वो मजा नहीं आता है। तो अभी एक बोल में मैं मिक्स कर रही हूं नमक। ओके तो ये नमक आपने अंदाज से मिक्स करना है बिकॉज आधा नमक अंदर जाएगा टिंडों के और आधा उसके मसालों में बाहर जाएगा। नहीं है चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर देखो मुझे लग रहा है एक है, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च, यस गुड, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर। ओके तो ये सब मिला दिया। मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए, हल्का सा इसमें एक ड्रॉप तेल का डालना है ताकि
इसे जब आप मिक्स करें इट ऑल काइंड ऑफ कम्स टुगेदर और जो टिंडे हैं उसे भरने में आसानी हो। इसे ना ऊपर से थोड़ा चार टुकड़े में कर दे, अगर उसे ओ कर दिया प्रीति ने कर दिया देखो ओ वेरी गुड ठीक है, तो मैंने दूसरे साइड कर दिया मुझे लगा किया नहीं है। ठीक है तो ये मसाला इस तरह से तैयार हो गया है। प्रीति दीदी मेरे जो घर में है वो दो प्रीति है मेरे घर में, आपको पता है ना, एक कुक है और एक सू शेफ है। मैं शेफ हूँ, एक सू शेफ है और एक असिस्टेंट शेफ है। तो सब कटे वेरी गुड नहीं ठीक है तो काट ले जो नहीं कटे, मुझे भी लग रहा था नहीं कटे। तो अब इसमें इसे आपने बीच से इस तरह से स्लिट करना है और इस तरह से करना है कि पूरा ना कटे। ओके यू जस्ट वॉन्ट टू सेपरेट इट लाइक दिस, यस श्रुति यू अंडरस्टूड। नीचे से नीचे तक पूरा नहीं कर, मैं नीचे तक जाना है पर मतलब काटना नहीं है उसको, सेपरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है तो इसे इस तरह से खोल लिया। ओके अब इसके अंदर ये मसाले भर देने। ठीक है तो जैसे कि मैंने कहा कि मसालों को इस तरह से, नमक इस तरह से आपने मैनेज करना है कि जो दूसरे मसाले में भी जाएंगे उसके अंदर भी नमक पड़ेगा। सो यू कांट पुट टू मच। मेरे को कटे वाले दे। ठीक है तो इसमें अब ये मसाले में डाल दूंगी एंड एक बार जब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप सबसे बात करूंगी। यस दीप्ति देसाई, आई विल डेफिनेटली बी सेविंग दिस वीडियो एंड विल बी शेयरिंग इट। तो ये जो टिंडे की रेसिपी है ना, आई मीन इट्स अ वेजिटेरियन रेसिपी, लेकिन जो वेजिटेरियंस वंडर करते हैं कि चिकन और मटन का टेस्ट कैसा होता होगा, ये बिल्कुल वैसा बन जाता है। इट इज रियली अ लॉट लाइक you know a very wholesome meat recipe, not that you need that as a attraction. I know vegetarian, मुझे भी vegetarian खाना बहुत ही अच्छा लगता है, as much as I enjoy non-veg, but ये the analogy that I was trying to give you was because it becomes a nice like a, you can call it a party dish, you can call it a fancy dish, you can call it a really you know something that is very filling and ऐसी dish जो आपके यहाँ guests वगैरह आए dinner पे आप उसे बना के serve कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे पहले आप भर दीजिए। श्रुति ये बाकी के ऊपर ना मैं मसाला start करती हूँ, टाइम लग जाएगा। ये ऐसे देखना इसके अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है so basically it has to fill in like this। ठीक है तो ये अब श्रुति दीदी भरेगी और मैं बाकी का process start करती हूँ। आज दो तीन कढ़ाइयां यहाँ पड़ी हैं बिकॉज दो तीन चीजें बनेंगी। ये जो आम की चटनी मैं बनाने वाली हूँ वो भी आप लोग को बहुत 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 पसंद आएगा। इट्स अ कुक्ड चटनी, कच्ची चटनी नहीं है, तो बहुत ही मजेदार है। और अगर आप चावल दाल खा रहे हैं या टिंडे की सब्जी और दाल खा रहे हैं तो उसके साथ बहुत ही मजेदार टेस्ट करता है एंड रियली एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द डिश। ओके टिंडा इज कॉल्ड फ्रेक सिट्रुलिस। ओ यस 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 आई रिमेम्बर रीडिंग दिस बट आई ऑल्सो रिमेम्बर promising myself that I will never try pronouncing it. Well done, ये mark कर लो, याद कर लो और अगली बार जो मुझे बताएगा कि इसकी pronunciation क्या है उसको एक air kiss मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता इस वक्त। तो चलिए आप यहाँ पे मैंने एक pan गर्म करने रखा है और यहाँ तेल डाल रही हूँ मैं। तो जैसे मैंने आज मासी से बात किया, उन्होंने कहा पता है टिंडे विच ना खुला तेल पहनता है तो कंजूसी ना करी। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि भाई कंजूसी मत करना तेल डालने समय, बिकॉज भरवे टिंडों के लिए थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है बिकॉज वो धीरे धीरे आंच में पकता है, उसके मसालों को अच्छे से पकना पड़ता है, इसलिए नो कंजूसी एंड ऑयल। आई प्रोमिस मासी एंड आई विल लिव अप टू हर प्रोमिस। ओके तो यहाँ तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें मैं लंबे लंबे प्याज काटूंगी। तो ये सारी कटिंग मैं कर रही थी थोड़ी देर पहले एंड विदाउट मी रियलाइजिंग काफी कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये लंबे प्याज इसमें जाएंगे, नॉट छोटे छोटे, छोटे भी आप डाल सकते हैं पर दिस रियली ब्रिंग्स द होल डिश टुगेदर, सो आई वुड रेकमेंड यू टू कट इट लाइक दिस। ठीक है थोड़ा सा ये तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये प्याज एंड आई एम गोइंग टू कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ द रेसिपीज। तो हु ऑल आर एक्साइटेड अबाउट दीज रेसिपीज, टेल मी
माय टीम सेड अरे टिंडे अरे पालक दाल हाय करमन हाय जाहिद दा काली खलीफा नाइस टू सी यू ऑल. गीतांजलि कहती है आप पंजाबी बोलते हो बहुत स्वीट लगते हो. मैंने एक बहुत दो सीजन शो के किए थे पीटीसी पंजाबी के लिए पंजाब द सुपर शेफ एंड मुझे बहुत मजा आया था बिकॉज वहाँ कॉन्स्टेंटली मुझे पंजाबी में बात करनी पड़ती थी तो मुझे अपना बचपन याद आ गया बिकॉज मम्मी जब मुझे डांटते थे तो उसे पंजाबी में डांटते थे. वैसे हिंदी में बात करते थे लेकिन डांटने के समय पंजाबी में शुरू हो जाते थे एंड बिलीव इट और नॉट मैं अगस्त्य के साथ भी वैसे ही करती हूँ. ही लाइक लुक्स एट मी लाइक मॉम व्हाट्स रॉन्ग विद यू सडनली यू ब्रेक इन टू पंजाबी व्हेन यू आर शाउटिंग एट मी सो डू यू वॉन्ट टू हियर व्हाट आई सेड एक चंड पैगा तेनू तो This is what my mom used to say. Shruti is shocked because she's also heard me say that to Agastya. And that's how I shout at him. So anyway, so tell me how do you like the choice of these recipes? Like I said, I'm making bharve tinde, dal palak and kacche aam ki khatti meethi chutney. It'll be very, very yummy. So stay on and watch all the recipes. I'm going to try and make them as quickly as possible. So yahan tel garam ho gaya hai. I have added the onions. अनियंस में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है बिकॉज इससे वो लतपतापन आएगा विच वी वॉन्ट इन आर भरवे टिंडे सो नो कंजूसी अलाउड. छुट्टी तेरा हो जाए तो फिर कैमरा को पास लाएंगे. अभी तो खैर इतनी जरूरत नहीं है. अभी प्याज को थोड़ा भुनने में टाइम लगेगा तो इसे भुनने देते हैं और फिर इसमें हो गया एक ही बचा ठीक है एक रहने दे अभी के लिए एक रहने दे. तो ये मैं आपको कैसे छिलते हैं टिंडे वो दिखा देती हूँ. ऑफकोर्स इसके जो कोने हैं एक एक बिना छिले हुआ टिंडे मिल गया टिंडा मिल गया मुझे तो इस तरह से दोनों साइड आप कर लीजिए और फिर बड़े हल्के हाथ से आई प्रेफर द अदर नाइफ और दूसरा नहीं देना हरा वाला हाँ बहुत काफ़ी शार्प है तो कट जाता है. इससे जस्ट स्क्रेप आउट द छिलका. Can you see? I'm just scraping it out. So this, what comes out is just a scraped part. It is not a peeled part. You don't want to peel it. Okay? So, इस तरह से इसे छीलना होता है. ये मैं आपको दिखाना चाहती थी because ये बहुत ही important part है. अगर आप उसे बहुत ज़्यादा छील देंगे even छुरी से या peeler से तो उसका जो taste है taste तो खैर compromise नहीं होगा पर वो उसका जो shape है वो compromise हो जाएगा. You don't want that. जरा हिला दे प्लीज और आ रही है कैमरा के सामने तो सबको हेलो बोलते अच्छे से प्यारी क्यों नहीं सबने देखा हुआ है उनको डांस करते हुए सब करते हुए. आज श्रुति है यहाँ बिकॉज छोटी प्रीति की छोटी बहन को या बड़ी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है क्यों प्लीज तो वो अपने घर में गई हुई है हेल्प करने. सो दिस इज द वे यू विल डू छिलो योर टिंडा. ओके से हेलो ना शर्माती हैं ये लोग ऐसे इन लोग के खुद के बड़े अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं. हाँ देखना चाहिए बड़ा ये नहीं है सिर्फ यहाँ शर्माती हैं मेरे मेरे दोस्तों से शर्माती हैं सिर्फ. ओके तो यहाँ ये थोड़ा सा प्याज ट्रांसलूसेंट हो रहा है बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है जस्ट अ लिटिल ट्रांसलूसेंट. अब श्रुति हम क्या करेंगे दाल पालक की तैयारी करेंगे तो दाल पालक के लिए मुझे कुकर चाहिए. तो अब मैं कैमरा को पास लाती हूँ ताकि तो दाल पालक शुरू करें और साथ साथ में आप ये भी देख लीजिएगा कैमरा का ध्यान रखना बिकॉज ज्यादा हीट ना हो जाए. यहाँ प्याज दिखा दे तब तक तो ये प्याज देखिए ज्यादा बहुत ज्यादा पास में अभी ब्राउन हो रहे हैं पर बहुत ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है एट दिस स्टेज. बाद में करना है पर एट दिस स्टेज ज्यादा नहीं. यहाँ पे दाल ओ ओ तेल नहीं पड़ता है इसमें घी पड़ता है. वेर इज घी चलिए कोई नहीं मैं इसके साथ थोड़ा घी डाल दूंगी. तो दाल हमारे घर में और इनफैक्ट हर पंजाबी के घर में घी में ही बनता है और बनना भी चाहिए बिकॉज उसका जो फ्लेवर होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है. सो आई डेफिनेटली नेवर लाइक टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. सो यहाँ पे घी को गर्म करने रख दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज. अदरक छिल के रखा था ना मैंने उसको बोला तो था
तो मैं जरा एक अदरक को फटाफट चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे पड़ा इधर दिखा दे, यहाँ पे मेरा चॉपिंग बोर्ड उनको दिखा दे। तो ये हल्का सा स्लाइस करके मुझे फाइन चॉप करना है अदरक को। आप स्लाइस रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैं फाइन चॉप कर रही हूँ उसको, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मुंह में आए। थोड़ा सा गैस कम कर, जलेगा। अब वापस आ जाए। मैं थोड़ा सा इस अदरक को फाइन चॉप कर ले रही हूँ। यू नीड अदरक, जब भी आप दाल बनाएं थोड़ा अदरक हो तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द दाल बेटर। ओके, सो लेट्स एड दिस कम टू आर अनियंस। ऊपर तक देखा ताकि अच्छे से दिखे, और यहाँ भी अनियंस अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ टमाटर डाल दूंगी। तो अगेन नाइस क्वांटिटी ऑफ टमाटर, बिकॉज आपको वो टिंडे खट्टे मीठे चाहिए, मसालेदार चाहिए। यू वॉन्ट अ नाइस जेनरस हेल्पिंग ऑफ टमाटोस। यहाँ पे आते हैं प्याज, ब्यूटिफुली हो रहे। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी। नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ द हरी मिर्च, कुछ लाइट ग्रीन है और कुछ डार्क ग्रीन है। एंड आई लाइक टू ऐड बोथ द टाइप। जो लाइट ग्रीन है वो ज्यादा फ्लेवर देते हैं, जो डार्क ग्रीन है वो मिर्ची देते हैं। पास हो रहा है ना दादा। अब इधर आएंगे बिकॉज पाइनएप्पल बोल रही हूँ, क्या उसको कहते हैं, पालक काटना है। तो पास आ जा थोड़ा। हो गया ये चॉपिंग बोर्ड की। पालक दिखाती हूँ, गैस को वहाँ थोड़ा कम कर देती हूँ, यहाँ भी कम कर दो। करेक्ट। So we are going to chop some पालक। पालक चॉप करने समय you need to keep in mind कि इसकी डंडी को ना यूज करें, because ये थोड़ा कड़वाहट देता है, so you don't want that। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे पालक को, अच्छे से धो के पहले, because पालक में कीड़े होने के चांसेस होते हैं। तो इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे, बहुत भी फाइन नहीं करिए, because you don't want it to fully घुलो मिलो with the दाल, right? क्योंकि दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल के पकाएंगे, तो जस्ट इंश्योर कि बहुत ज्यादा भी ये फाइनली चॉप ना हो। ठीक, कम बैक टू द, यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे ये प्याज। ओके, लवली। अब मैं इसके लिए ना, मैंने थोड़े मोटे मोटे प्याज का टमाटर काटे हैं दाल के लिए। तो माय मदर इन लॉ ऑलवेज लाइक्स थोड़े मोटे मोटे टमाटर, बिकॉज एक तो वो थोड़े दिखते भी हैं और साथ ही उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर मिक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट स्लाइट सॉटे, सम सॉल्ट, फिर थोड़ा नमक जाएगा। अभी थोड़ा डालूंगी, फिर तड़के में और डालूंगी, और थोड़ी सी हल्दी। ओके, सेट, मिक्स। नाउ गोज इन द पालक। लवली, सारा पालक इसमें चला गया। क्या बन गया, कैमरा पीछे ही रखना, कैमरा पीछे रखना, आई नो, पता चले ज्यादा गर्म हो जाए। थोड़ा दूर ही आ जा भाई, चलो टर्न कर लेते हैं कैमरा और दूर कर लेते हैं, बिकॉज इवन आई एम गेटिंग स्केयर्ड। काफी देर से कैमरा पास है, लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था, देखा ये लाइट कम हो गई ऑलरेडी। ओह माय गॉड, श्रुति, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू गो, कैन यू ऑल सी मी गाइस, आई होप यू कैन। थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। वेयर इज माय दाल, वेयर इज माय दाल, ओके हियर इट इज।
तो दाल इसमें मूंग की दाल पड़ेगी। हमारे घर में हम मूंग की दाल के साथ ही दाल पालक बनाते हैं बिकॉज उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है एंड बहुत जल्दी पक भी जाता है। सो जस्ट एडिंग दिस टू द पालक, थोड़ा सा उसे पहले आप सोक कर लीजिए, धो लीजिए, सोक कर लीजिए एंड उसी पानी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है। श्रुति मुझे ये भर के, अब इसे मैं थोड़ा इसके साथ सॉटे कर लूंगी। लवली, आई एम नॉट ब्रिंगिंग द कैमरा क्लोजर गाइस बिकॉज सडनली आई कैन सी कि थोड़ा लाइट कम हो गया है मेरे फोन में, सो आई होप इट्स नॉट गॉट इन टू सम मोड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हीट। तो थोड़ा इसको पहले हल्का सा एक सॉटे करना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, जस्ट गिव इट अ लिटिल टॉस। हाँ हाँ, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, रियली लुकिंग लवली। थोड़ा सा और पालक डाल, हाँ लगता है ना, हाँ मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा सा और पालक डाल देती हूँ उसमें। एट दिस स्टेज आई कैन एड इट। वैसे अगर आप चाहें तो अगर आपको लगे बाद में तड़का देने समय जब दाल बॉईल हो जाए कि पालक कम है, तो आप तड़के में भी थोड़ा सा ये डाल के ऊपर से हरा हरा डाल सकते हैं, दिस रियली नो प्रॉब्लम इन दैट इज वेल। तो दिस इज अ वेरी फॉरगिविंग रेसिपी। फिलहाल क्योंकि मुझे अभी कम लग रहा है मैंने डाल दिया है। एक तो पालक बड़ी जल्दी विल्ट भी हो जाता है, तो काफी इट जस्ट बिकम्स वेरी लिटिल वेरी सून। ओके, तो अब मैं पानी डाल रही हूँ दाल में, थ्री टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर। इतना ही और दे दो प्लीज। ओह इट्स लुकिंग प्योर, गरम कर दो। हाँ जल तो नहीं रहा, क्यों नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। अब मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और भी डाल सकती हूँ। तो ये अभी ये हो गया। अब चलिए इधर मैं मसाले बनाती हूँ। तो ओके गाइस, लेट मी क्विकली से हेलोस टू ऑल ऑफ यू। हाय स्वाति, स्वामी, हाय सुप्रिया, दाल पालक इंडीड, शुगर प्लम, यू आर थैंकिंग समबडी एल्स। ओह, यू वांटेड टू नो व्हाट दाल हैव यूज्ड? आई हैव यूज्ड मूंग दाल, वो येलो मूंग दाल जो होती है वो मैंने यूज किया है। आई लाइक दैट कॉम्बिनेशन द बेस्ट। क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ दाल पालक, भरवे टिंडे एंड सम कैरी की चटनी विच इज गोइंग टू बी कुक्ड। ओके, तो कच्चे कैरी की चटनी वो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। आफ्टर मैं इसका मसाला थोड़ा डाल दूँ उसके बाद मैं उसे भी स्टार्ट करूंगी चटनी को। चटनी इज वेरी यम्मी, उसे भी थोड़ा पकने में टाइम लगेगा बट आई जस्ट वांट टू सीजन दिस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा नमक, अगेन नमक याद है ना टिंडो के अंदर भी डाला है नमक, तो आपने बैलेंस अच्छे से करना है, ठीक है? तो डोंट हैव टू ऐड टू मच नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ऑल द सेम मसालास बेसिकली, बट अगेन हाफ देयर हाफ देयर, थोड़ी सी हल्दी। लवली, ये जैसे ही थोड़ा मसाला पकने लगेगा इसमें मैं टिंडे डाल दूंगी और बस उसे हम फिर धीरे 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 पकने देंगे। ऑलराइट, नाउ मैं किस उसमें बना रही हूँ चटनी, इसमें तो चटनी मैं ये छोटे आम के साथ बना रही हूँ जो प्रीति दीदी अपने घर के मैंगो ट्री से लेकर आए हैं। बड़ी प्रीति हमारे घर में, लाइक आई सेड देयर इज छोटी प्रीति एंड देयर इज बड़ी प्रीति। तो इसके जो साइड्स हैं आप काट लीजिए और ये गुठली के साथ इसकी चटनी बनती है बिकॉज रियल मजा उसी में आता है। आप लोग सबने देखा था ना मुझे गुठली चूसते हुए वो मैंगो लस्सी की के रील में, तो इसमें भी बहुत मजा आता है। इसका भी गुठली चूसना एज अ चटनी विद द फूड इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, सो यू डोंट वॉन्ट टू अवॉइड दैट। सो जस्ट रफली चॉप दिस एंड लीव अ लिटिल फ्लैश ऑन द सीड। ओके, दूसरा विधि ये बड़ा अच्छा आम है, मैं यही वाले के साथ चटनी बनाती हूँ बिकॉज
थोड़ा सा जैसे मेरे हमारे पंजाबी में और मेरी मासी को बोलो तो बोलते थोड़ा पल्ला होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होना चाहिए। तो ये जो आम हमने लाए थे यहाँ आज अपने सब्जी वाले से, वो थोड़ा सा ज्यादा ही कच्चा था, सो आई डिडंट वांट दैट। ओके, सो आई एम जस्ट गोना क्विकली शो यू द वे दस मसाला इज लुकिंग। थोड़ा दूरी रखना, मैं बस टिंडे डाल रही हूँ। ओके, थोड़ा दूरी रख। ये आ गए अब इसमें टिंडे सारे। लवली, जस्ट गिव इट वन क्विक टॉस ताकि सारे जो बाहर के मसाले हैं वो पूरी तरह से लग जाए, जो तेल है वो भी लग जाए हमारे टिंडों में। एंड देन बस इसे हम ढक के थोड़े पकने देंगे। हल्का सा पानी अगर डालने की ज़रूरत हुई तो डालेंगे, बट पहले वी जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड कुक इट द वे इट इज़। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ आपने मसाला डाला है, ट्राई एंड कीप इट ऊपर ओनली। ओके, इफ़ यू कैन इट्स ओके, इफ यू कांट नॉट अ बिग डील। बिकॉज ये जब पकते हैं ना तो फिर बड़े सुंदर लगते हैं, ऊपर से खुल जाता है तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। ढक्कन अब हम लगा देंगे, थोड़ा कम आंच कर देंगे क्योंकि थोड़ा दूर आ गया। ओके, टू डाउन, वन मोर टू गो। एंड व्हाट इज दैट वन मोर टू गो? दैट इज माय की चटनी। तो उसे हम यहाँ लगाएंगे। नहीं चलो ना, अब चलो। अब यहाँ पे मैं आम काट रही थी, उसे मैं फिनिश कर लूंगी। आई लव योर कॉमेंट्स ऑन मेरे घर का खाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यू नो इतना लंबा वीडियो सब कैसे एंजॉय करते हैं, बट आई फील that everyone can relate it to their own homes, to their mother's cooking, to them cooking at home, and I think that's why it works, and that's why I am here every Friday without fail, most of the times, to be here to share your joy with you and to share my joy with you, kyunki I think cooking ek aisi cheez hai jo I think lockdown mein sabne realize kiya ki kitna important hai. I find it therapeutic, but actually I also feel that those who don't find it therapeutic also need to know, क्योंकि ये really एक survival kit है। जैसे हमको सिखाया जाता है basics, toothbrush से brush करो, जो basics हमें life skills सीखने को मिलते हैं उसमें I think एक cooking भी होना चाहिए। I think हर school में cooking compulsory हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ culinary arts के school में जाएं और फिर ही आप पढ़ाई करें उसके बारे में, बिकॉज आई डोंट थिंक कुकिंग इज ओनली अबाउट बिकमिंग अ शेफ, इट्स ओनली अबाउट बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग हाउ टू सर्वाइव। खाना और एयर और पानी, ये तीन चीजों के बिना, और छत ऑन द ऑन टॉप ऑफ योर हेड, दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप कुकिंग जान, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों को सीखना चाहिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लड़कों को भी सीखना चाहिए एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए भी। तो ये जो मेरे घर का खाना सीरीज है बेसिकली उन सब के लिए है जो यू नो बेसिक कुकिंग भी सीखना चाहते हैं अलोंग विद सम फैंसी कुकिंग। तो जो जो चीज़ें मैं घर पे बनाती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखा है, जो जो चीज़ें मैंने अपने कलिनरी आर्ट स्कूल से सीखा है, जब मैं सिंगापुर गई थी एडवांस कलिनरी कोर्स करने वहां से सीखा है, जब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल में काम कर रही थी तो अपने एग्जीक्यूटिव शेफ से सीखा है, वहां के बाकी सब शेफ से सीखा है, वो सारी नॉलेज में किसी ना किसी तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज आई जस्ट फील शेयरिंग इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग, एंड द लव एंड एडलेशन दैट आई गेट इन रिटर्न। और आप जब ये सारी रेसिपीज बनाते हैं, शेयर करते हैं, मुझे फोटोज में टैग करते हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर एंजॉइंग दिस।
मोस्ट ऑफ द शेफ्स आर मेन आई गेस. वेल मोस्ट ऑफ द शेफ्स इन होटल्स आर मेन. आई थिंक उसका रीजन जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, उसका रीजन ये भी है कि हम औरतों के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है लेट नाइट काम करना, बिकॉज होटल और जो हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें काफी लॉन्ग आवर्स होते हैं. मैंने एक असिस्टेंट शेफ को भी हायर किया था तो कुछ टाइम पहले, अब वो नहीं है मेरे साथ. वो भी मुझे कहती थी कि 18-18, 20-20 घंटे काम करने पड़ते थे. एंड आई जस्ट फील कि समटाइम्स फॉर अ वुमन इट डज गेट डिफिकल्ट इफ यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर योर हाउस. इट इज नॉट मैंडेटोरी, लेकिन अगर आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट हो जाता है. आई थिंक इसीलिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स में मेन शेफ्स की ज्यादा बातें होती हैं और वो ज्यादा हैं भी क्वांटिटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. लेकिन मुझे जरूर लगता है कि अगर औरतें पूरी तरह से बाहर आ जाएं तो वो बिल्कुल आदमियों के टक्कर पे रहेंगी. एंड आई एम श्योर वो भी दिन जल्दी आएगा जब आदमी औरतों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, इक्वली घर का काम संभालने में हेल्प करना शुरू कर देंगे, बच्चों को संभालने में हेल्प में अपना हाथ बटाएंगे, तो आई एम श्योर औरतें भी वो काम करना चाहेंगी जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स के वजह से, डिमांडिंग जॉब होने के वजह से वो कर नहीं पाते. राइट ओके, बहुत हो गया भाषण, अब कहते हैं हो गया दो तीन हो गया ना. हाँ, क्योंकि मूंग दाल बड़ी जल्दी पक जाता है तो इसे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए. इसे उतार के ना खोल दो वरना बहुत ज्यादा गल जाएगा, है ना. एक चम्मच लेके खोल. चलो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया बातों बातों में. अब ये आम की चटनी हम बनाना शुरू करेंगे और उसके लिए मैं डालूंगी ये सौंफ और कलौंजी. ओके, ये इसे स्टार्ट होगा तो लेट्स डू दैट. ये बहुत ही फ्लेवरफुल कर देता है जो सौंफ और कलौंजी है हमारी चटनी को. सो यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस इट. सो हियर इट इज. हल्का सा वो पक जाएगा. अब सिटी चाहती है कि मैं बातें ना करी इसलिए वो सिटिया पे सिटिया मारे जा रही है. देखिए अच्छा हुआ जो मैंने पानी नहीं डाला, बिकॉज चिंदो ने अपना पानी काफी छोड़ दिया है, इसलिए मैंने कहा इसे पहले ऑब्जर्व कर दिया जाए और फिर अगर जरूरत होगी तभी पानी डालेंगे. बिकॉज हमें इसका रस नहीं बनाना है, ग्रेवी नहीं बनानी है, हमें बेसिकली ये एक लतपता हमें सब्जी बनानी है. तो यहाँ पे ये सौंफ और कलौंजी हो गया. अब इसमें मैं ये आम जो मैंने कच्चे आम काटे हैं वो भी और जो गुठली है वो भी डाल दूंगी. फेवरेट पार्ट जो गुठली है वो भी मैंने डाल दिया. ऑलरेडी क्या खुशबू आ रही है. वाओ, यम यम यम. नहीं, उसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है. लाओ सबको दिखाती हूँ ये दाल. लवली, ये देखिए ये दाल तैयार है यहाँ और ये मैं आपको दिखाऊंगी परफेक्ट कंसिस्टेंसी. ऑल्दो मेरे घर में मेरे जो फादर इन लॉ हैं, हाँ, उन्हें तो थोड़ी पतली दाल अच्छी लगती है. राइट, मैं थोड़ा धुआं कम हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी. ये आपको दिख रहा है क्या प्यारा सा लग रहा है. इट्स ब्यूटिफुल. हल्का सा बाइट ऑफ द दाल शुड बी देयर. अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है. वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये इवन विदाउट द तड़का. तो आप सोच सकते हैं कि तड़के के बाद क्या होने वाला है. जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल. ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटर डाले थे देखिए वो कितने अच्छे लग रहे हैं. एंड यहाँ देखिए ये आम की चटनी भी कितनी प्यारी लग रही है विद द स्पेक ऑफ कलौंजी एंड सौंफ. लवली. बस अब इसमें चाहिए तो थोड़ी सी हरी मिर्च मैं डाल दूंगी जस्ट फॉर दैट लिटिल स्पाइस फैक्टर. इसमें लाल मिर्च जरूर पड़ता है, हल्का सा लाल मिर्च, नमक, खट्टी मीठी बनेगी
इसलिए इसमें थोड़ी चीनी चाहिए। ओके, तो चीनी अकॉर्डिंग टू मासी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। और अकॉर्डिंग टू माय भाभी, अगर आप गुड़ डाल दें तो वो और भी मजेदार टेस्ट करता है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको कम डालनी पड़ती है। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ बिकॉज इसका जो कलर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, विच आई डोंट वॉन्ट। अगर मैं गुड़ डाल दूंगी तो वो ये ब्राउन ब्राउन कर देगा मेरी चटनी को, विच आई रियली रियली डोंट वॉन्ट। ओके, तो इसे बस एक हल्का सा सॉटे कर दिया। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी एंड जल्दी से बस इसे बस इस तरह से पानी डाल के हम छोड़ देंगे और पकने देंगे। ये जल्दी से दिखा दो एंड देन यू आर गोइंग टू वो लवली केयरफुल। हाँ श्रुति, गर्म लग रहा है? लुक एट दिस ब्यूटीफुल टिंडेस, लुकिंग जस्ट गॉर्जियस। बट अभी इन्हें पकना बाकी है, यू विल नो व्हेन दे आर रेडी। ढक लेते हैं और अब हम कैमरा को दूर कर देते हैं। लवली, तो अब यू सॉ हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज लुकिंग। एंड इसे हम बोल सकते हैं सिंपल खाना, बट ये सिंपल खाना जो आपको जॉय देगा ना, इसकी बात ही कुछ और है, बिल्कुल बिल्कुल और है। इसलिए उस जॉय को आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करने दीजिए। मैं दाल का जो नमक है वो चेक कर रही हूँ, और दाल के लिए तड़का के लिए निकालिए ना। परफेक्ट, दाल जब आप शुरू में बनाए, जब बॉईल करने के लिए रखें तो नमक की क्वांटिटी कम ही रखिए, बिकॉज दाल में एक बार नमक ज्यादा हो जाए, आप आलू वगैरह डाल के उसे ठीक कर सकते हैं, बट वो सेम बातें होती है, तड़का लगाने समय आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो और नमक काफी कम है तो नमक हम डालेंगे, पर अभी नहीं, जब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे और जब इसका तड़का लगाएंगे, which is now, ये मतलब final dish पे डाल के वो बोल रही है, नहीं गैस के ऊपर वो तड़का दोगे ना? हाँ, तो गैस बोल रही है ये खाली होने दो। अच्छा, ये खाली होने दो, क्यों? मैं इधर से उधर मूव नहीं कर सकती, आके अब हेलो बोल दे सबको, जब आवाज क्यों नहीं तैयार नहीं हुई, इसलिए लिपस्टिक ने लगाया इसलिए। मैंने इन लोगों को काफी देर से मैं बोल देती हूँ कि लिपस्टिक लिपस्टिक लगाना है तो लगा लो, इन्हें मानते नहीं है। दिस इज हेल्दी इंडीड, इजंट इट? डिश अंडरस्कोर टी। हाय जोसेफ, मुंह में पानी आ रहा है ना, एंड यू आर फास्टिंग। ओ बट फास्टिंग में दाल तो ऑफकोर्स नहीं खा सकते, बट पम्पकिन नहीं खा सकते क्या? इट्स अ फैमिली ऑफ पम्पकिन, तो आई थिंक आप खा सकते हैं। ऑफकोर्स ये मसाले वसाले कम डाल के, धनिया वगैरह नहीं डाल के, सॉल्ट और सेंधा नमक डाल के आप खा तो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्याज वगैरह नहीं डाल सकते हैं, बट सॉरी, जब फास्ट नहीं करेंगे या फास्ट तोड़ेंगे तो बना लीजिएगा। हाय नम्रत, हाय, व्हाट इज माय एज? व्हाट इज माय एज? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, डोंट मोस्ट ऑफ यू नो माय एज। चलो लेट्स डू अ गेसिंग गेम, आज लाइव में गेस करते हैं कि क्या एज है मेरी। गेस कीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छे अच्छे गेस करना, बदमाशी वाले गेस मत करना। लवली चटनी इज़न इट संगीता, beautiful sugar is also saying, I love the name sugar. Sugar plum, ooh, even prettier name. I want to make something with plums, but it's not the season for plums. Oh, so a lot of people are liking my kurta. This is a lovely friend of mine, Avantika Keelachand, has given it to me. ये विपुल शाह का कुर्ता है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, आप लोग ने सब देखा बर्थडे सेलिब्रेशंस, तो हस्बैंड का बर्थडे था, उन्हें तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, तो दिस वाज वन ऑफ दोस गिफ्ट्स जो मुझे एज अ पैकेज डील मिला, मेरे हस्बैंड को मिला, और उसके साथ ये प्यारा सा, आई लव दिस कुर्ता, इट्स फ्रॉम विपुल शाह, अवंतिका कीलाचंद, स्वीट फ्रेंड गेव इट टू मी, सो आई रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट। जहां कुकिंग का क्लास चल रहा है, फिर पता नहीं कौन कॉमेंट दे रहा है इनके, क्या 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 क्या, I need an apron. Yes, but have you realized that I haven't dirtied my outfit at all? अगर कोई बुरे कॉमेंट्स दे रहा तो उनको छोड़ दीजिए। मैं हमेशा ऐसे लोगों पे मुझे दया आती है, बिकॉज क्लियरली उनकी लाइफ थोड़ी सैड होती होगी, क्योंकि उनके पास कुछ अच्छा नहीं होता है कहने के लिए, तो वो सिर्फ बुरा ही कहना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देती हूँ, बिकॉज
बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. तो छोड़ दिया करो ऐसे लोगों को. मैं पहले थोड़ा इफेक्ट हो जाती थी, अजीब अजीब कॉमेंट्स आते हैं, कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई कई आपके खुद के दोस्त होते हैं या यू नो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करने से बदले कोई साइड कॉमेंट देते हैं या कोई बैक हैंड यू नो तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे लोगों को मैं सोचती हूँ कि जस्ट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन, बिकॉज अंदर से वो ऑब्वियसली बहुत सारी उनके अंदर तकलीफ हो रही होगी आपके सक्सेस को देख के या आपको खुश देख के, क्योंकि वो खुश नहीं होंगे एट सच सम लेवल. तो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि मेक देम हैप्पी सो दैट दे फील हैप्पी फॉर अदर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि दूसरों के लिए खुश होना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पूरे फैमिली में ये क्वालिटी है, इंक्लूडिंग मी. वी लव एंड रिवेल इन अदर पीपल्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड इट ओनली गिव्स अस जॉय. एंड आई थिंक दैट इज द वे ऑफ लाइफ एंड दैट्स द वे वी शुड ऑल बी. जेलेसी, यू नो, ऊर्जा, नफरत, हेट्रेड, ये सब जो नेगेटिविटी होती है ये अपने दिलो दिल से दिमाग से निकाल देना चाहिए, बिकॉज लाइफ, गॉड एंड डेस्टिनी हैज गिवन ऑल ऑफ अस आवर ओन पाथ्स, आवर ओन जर्नीज, आवर ओन सक्सेसेस, आवर ओन फेलियर्स. किसी को भी आप पकड़ लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट होगी, या सबसे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान को भी आप पकड़ लीजिए, कहीं ना कहीं उसको भी दुख होगा. तो वी ऑल हैव आवर शेयर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड सक्सेसेस एंड फेलियर्स. तो वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स, वी शुड फोकस ऑन बेटरिंग आवरसेल्व्स रादर देन पुटिंग अदर्स डाउन या गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स अदर्स सक्सेस. ओके, आज के लिए बहुत लेक्चर हो गया ना श्रुति, कहाँ कुकिंग से स्टार्ट हुआ और कहाँ किस एंगल में चला गया, डजंट मैटर, वी आर बैक टू कुकिंग. विल यू पोस्ट दिस वीडियो? इंडीड आई विल. हर मेरे घर का खाना का वीडियो पोस्ट होता है एंड शेयर होता है एंड इनफैक्ट गाइड भी है, गाइड सेक्शन भी है इंस्टाग्राम में, जहां अगर आप जाएंगे तो आपको सारे मेरे घर के खाने के जो पोस्ट हैं जो मैंने पहले हर फ्राइडे को बनाया है वो भी आपको वहां पे दिखेंगे. तो डोंट वरी, ये वीडियो तो होता ही है शेयर, साथ में रिटन रेसिपी भी शेयर होती है, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट टू फॉलो इट ऑन द लाइव या फिर पूरा लाइव आप नहीं देख पाते हैं. तो डोंट वरी, एवरीथिंग इज कवर्ड. मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी बनाऊ वो आप अच्छे से समझ जाए और सीख जाए. ओके, ये गंदे गंदे कॉमेंट्स आ रहे हैं मेरे एज के बारे. मैं गंदे इसलिए बोल रही हूँ, जो मुझे नहीं पसंद है उसको मैं गंदे बोल रही हूँ. 37 आई लाइक दिस, 43 आई डोंट माइंड इट एट ऑल, 38 आई लव इट, 40 नॉट बैड, 42, 30 ओह आई लव यू, रेन रेन गो अवे, नो नो यू कम हियर, बिकॉज इफ यू थिंक आई एम 30 आई एम वेरी हैप्पी. 25 रवि राज, अब आप श्रुति भी हंस रही है. देखो कुछ लॉजिकल चीजें बोलो, मुझे सिर्फ खुश करने की कोशिश मत करो. 48 की मैं नहीं हूं, बैड बॉय जो भी है, बॉय और गर्ल. 47 की भी मैं नहीं हूं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. 25 की भी नहीं हूं वैसे तो. गैस गैस गैस, अभी तक भी किसी ने भी करेक्ट गैस नहीं किया, वेरी बैड. गैस करते रहो, गैस करते रहो. इसको मैं यहां शिफ्ट करती हूँ श्रुति, एंड लेट्स मूव ऑन विद द तड़का. सिर्फ एक वो ही बचा हुआ है. उनको गैस करने देते हैं तब तक, है ना. थोड़ा सा पानी उबालने भी रख दे, बिकॉज मुझे दाल की कंसिस्टेंसी को ठीक करनी पड़ेगी. थोड़ा सा पानी यहां भी दे देते हैं. अब जो पानी टिंडे ने छोड़ा था वो अभी खत्म हो गया है, तो हल्का सा मैंने डाल दिया, बिकॉज यू नीड द टिंडा टू बी नाइस एंड सॉफ्ट. यहाँ पे हम दाल का तड़का देंगे. अब दाल के तड़के में गरम है ना उसका पानी, बस दाल के तड़के में लहसुन, हींग, जीरा ये पड़ेगा, क्योंकि अदरक जो है वो मैंने ऑलरेडी दाल में डाल दिया था. ओके, सो नो मो अदरक हियर, हियर ओनली. गलती कर रही थी, दाल बन रही है गाइस, घी में बनेगा तड़का और घी में बनेगा बनेगी दाल. तो यहाँ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर अस, सो डोंट वरी एंड डोंट स्ट्रेस. शुड वी ब्रिंग द कैमरा क्लोज गाइस? श्रुति जी, या कम,
मैं करती हूँ. गेट द कैमरा क्लोज, यू कैन सी द तड़का हैपन. ओके, हल्का सा मैं तेल डाल देती हूँ ताकि वो जले ना. चटनी भी दिखा देते हैं सिंस तुम्हारा कैमरा इधर है. चटनी में मैंने पानी डाला हुआ है, अब ये धीरे धीरे पक रहा है. ये पतला सा चटनी इसकी बनेगी. जब ये आम अच्छे से गुल गल जाएगा अंदर, इट विल थिकन द चटनी. ओके, एंड यहाँ पे ये टिंडे बन रहे हैं. जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग. ब्यूटीफुल. ओके, चलिए अब तड़के की बारी. तड़के के लिए मुझे ये हींग है ना, निकाल के रखा हुआ. चलिए अब इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ. ये पड़ गया जीरा, हींग वेरी इम्पोर्टेंट, एंड लहसुन. ओके, लहसुन इसमें थोड़ा सा मोटा काट के यूज करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट दैट लिटिल बाइट. और लहसुन पकने के बाद काफ़ी स्वीट भी हो जाता है. You don't have to worry about it being bitter. ठीक है, तो ये दाल के तड़के में हल्का सा मोटा सा लहसुन ऐसे पड़ता है. ये दाल दिखा दो थोड़ा सा बस. ये थोड़ा सा थिक है तो मैं इसे हल्का सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर रही हूँ. Beautiful. तो ये आई प्रिफर इट लिटिल थिक लाइक दिस, बट लाइक आई सेड मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं कंसिस्टेंसी को ठीक कर देती हूँ. और यहाँ पे ये आजा, हो गया दाल तड़का, इधर आजा तड़के पे. ये अब यहाँ पे लाल मिर्च जस्ट डाला और बंद कर दिया. थोड़ा साइड हो जाओ. Oops, I should do it from the other side so that you can see it. तो मैं थोड़ा रखती हूँ साइड में, तो दिस विल गो ऑन टॉप आफ्टर आई सर्व इट. लवली, लुक एट द कलर्स गाइस, हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. एंड देयर यू गो, दाल पालक इज रेडी. लवली इजंट इट. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट plating because I think almost everything is ready. Your birthday is in May? No, my birthday is not in May. My birthday is 26/11, जो आप मत भूलिएगा, because उसी दिन terrorist attack भी हुए थे ताजमहल में, और मैं वहां अपनी पूरी फैमिली के साथ अटकी हुई थी, और उस समय मेरा बेटा 1 साल का था. तो या दैट इज द डेट ऑफ माई बर्थडे. माई मम्मी ऑलवेज यूज टू से इट्स इन योर सैडनेस दैट यू फाइंड योर फ्रेंड्स, एंड इन योर सक्सेस you realize those who aren't your tribe. Lovely, that's also a great saying. Thank you, you should make some motivational videos. you know, ye sab cheeze thodi naturally hoti hain, these are not planned. Ki aap kya bolenge ya kya sochenge, because these all come from life experiences. To hum sab kuch experience karte hain. Jo mujhe yahan mauka milta hai to main bol deti hu. आई रियली लव ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतने इनकरेजिंग हैं. मैंने देखा है कि एंड मेरी पूरी ट्राइब, यहाँ की जो ट्राइब है पूरी 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 तरह से ऑर्गेनिक है, एंड इस बात का मुझे बहुत 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 फक्र है, बिकॉज टू गेट दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली इज डिफिकल्ट. आई थिंक हार्ड वर्क आप करते रहिए तो आपको सच्चे लोग मिलते हैं. तो आप सबके कॉमेंट्स, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, एंड जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो भी बहुत पॉजिटिवली करते हैं, एंड आई लव दैट, बिकॉज लाइक आई सेड नन ऑफ अस आर परफेक्ट, एंड वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल यू नो वर्क इन प्रोग्रेस. सो आई थिंक इट्स नाइस टू अप्रिशिएट दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर इन माई लाइफ, एंड आई होप यू कंटिन्यू टू स्टे सो. ओके, बात कहीं और से शुरू हुई थी पर लेकिन और कहीं खत्म हो गई. आई नो पर मैं भूल गई कहां से शुरू हुई थी. हाँ, एज की बात अभी भी चल रही है. हाँ, एक लड़की ने या लड़के ने करेक्ट एज, दो लोगों ने करेक्ट एज बोल दिया है. आई ऑलवेज मेक योर रेसिपीज, थैंक यू खब, सो नाइस टू नो दैट. हाय विनय बेनीवाल, लव यू मैम, सेज प्रतिपा.
अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर योर लाइव रेसिपीज. थैंक यू. आई रियली रियली एंजॉय डूइंग दिस. ट्रस्ट मी, मुझे इतना मजा आता है. और आप लोग का जो लाइव है वो तो शुरू होता है और उसके एक घंटे पहले मेरा प्रेप शुरू हो जाता है. सो इट्स वेरी वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी एंड आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई एम ग्लैड यू ऑल लव इट टू. ओके, सो शुड वी जस्ट प्लेट अप एवरीथिंग? ओके, लेट्स प्लेट अप द दाल एटलीस्ट बिकॉज दैट्स व्हाट इज रेडी कंप्लीटली. तो दाल को मैं प्लेट अप करती हूँ. दिस विल बी डन विद वन थिंग. जब तक बाकी की चीजें बनेंगी. तो ये जरूरी होता है कि थोड़ा सा तड़का आप हमेशा बचा के रखें बिकॉज जब आप फाइनल प्लेटिंग करते हैं तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, आ जाना चाहिए. तो ये हल्का सा जो मैंने बचा के रखा था ये इसके ऊपर. वाव, लुक एट हाउ प्रिटी इट लुक्स. नाइस, श्रुति, लाइक इट? ओह, एंड माय धनिया. इसके ऊपर तो धनिया बहुत अच्छा लगता है. वैसे इसमें ऑलरेडी पालक है तो अगर आप धनिया नहीं भी डालेंगे, नॉट दैट धनिया इज़ ओनली फॉर कलर बट फ्लेवर के लिए भी, बट यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा अच्छा पालक का फ्लेवर है तो अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा. बट मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ. पंजाबी हाउस होल्ड में लाइक आई से अगर धनिया ना पड़े तो लगता है कि कुछ कंजूसी हो रही है. एंड दिस इज द चीपेस्ट हर्ब्स. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ धनिया का जो स्टेम है उसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए बिकॉज दैट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर. जब आप चटनी बनाते हैं ना धनिया पुदीने की तो उसमें वो स्टेम्स को जरूर यूज कर लीजिए. दाल वगैरह में आप ऊपर से डालेंगे तो शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाइट आ जाएगा विच यू डोंट वॉन्ट, बट चटनी में आप जरूर यूज कर सकते हैं. देयर यू गो माय ब्यूटिफुल दाल, पालक इज रेडी. इसमें लहसुन का तड़का लगाया है, ये बहुत ही यमी होता है. चलिए चटनी उधर रखो. यस मैम, एनीथिंग एल्स? अब चटनी को थोड़ा हाई आंच में रखूंगी. इसका भी हम लोग सीजनिंग चेक करते हैं, नमक वगैरह. तो मुझे लगता है चीनी वो तो बन गया ना. नहीं, थैंक यू. तो अभी मैं चटनी को टेस्ट कर रही हूँ, चक रही हूँ. मुझे लगता है इसमें चीनी और पड़ेगी. आंटी ने तो बोला था, आंटी बोल रही, मासी ने तो बोला था कि एक कप चीनी डालना वो चौसनी की तरह थिक हो जानी चाहिए. मैंने डाला नहीं डर मर के. हाय, चीनी तो डालना पड़ेगा. मासी जी यू आर राइट. कोई नहीं, थोड़ा सा ही चीनी चटनी खाना होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाना होता. तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ. नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट ठीक है, डालना पड़ेगा तो डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीनी जो क्या है ना इसको थिक भी करती है, थोड़ा कैरमलाइज फील भी देती है. एंड जैसा भाभी ने बोला था कि अगर इसमें आप गुड़ डाल देंगे तो वो और भी अच्छा कैरमलाइज फ्लेवर देता है. एंड द रीजन आई डिडंट वांट टू पुट इट बिकॉज आई रिमेम्बर माय मॉम नेवर पुट इट एंड द कलर यूज्ड टू बी ऑफ दैट मैंगो, यू नो. सो आई वॉन्ट दैट, यू नो, दैट ओपन फ्रेश कलर ऑफ द मैंगोज. ओके, लेट्स चेक आवर टिंडेस. टिंडे को किसने बंद किया? टिंडे को बंद कर दिया कि मैंने कर दिया. सॉरी, टिंडे को बंद कर दिया गलती से. टिंडे हुए कि नहीं इसको भी चेक करेंगे हम. तो देखने में लग रहे हैं कि नहीं हुए हैं, पर देखते हैं कि कितना और टाइम है. एटलीस्ट इसी बहाने सीजनिंग वगैरह भी चेक हो जाएगा. ओ, पक गए, बहुत अच्छे से पक गए. इधर ला, कैमरा को लाती हूँ क्लोज और आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पक गए हैं. सो ये वाला मैंने टिंडा तोड़ा एंड इट जस्ट फेल अपार्ट. सो आई शो यू हाउ इट जस्ट फेल अपार्ट. Just fell apart so easily. And you see the masalas inside. And you see the masalas outside. इसे इस तरह से लेते हैं और अपने वाइट कुर्ते को बचाते हुए इसे टिश्यू के हेल्प से लेते हैं. कम क्लोज टू मी, ट्राई करूंगी.
He is laughing. She's having a good day. Yummy. Oh my god, it's so yummy. माँ की याद आ गई. आय हाय बहुत ही टेस्टी बना है श्रुति. अभी खिलाती हूँ तेरे को, रुक जा. It is just absolutely amazing. तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है. वो इट इज सो गुड गाइज. ये आप जरूर बनाइए. और जिन्होंने कभी कभी लाइफ में चिकन खाया होगा और फिर छोड़ दिया होगा, दोज पीपल विल वाउच कि ये किसी भी नॉन वेजिटेरियन डिश है कम नहीं है. बहुत ही कमाल का है और बहुत ही फ्लेवरफुल है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन. कम श्रुति, वी कैन स्ट्रेटन इट और वी कैन देन प्लेट इट. लवली, आई एम सो हैप्पी विद माई टिंडास. बहुत 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 दिनों के बाद मैंने ये टिंडे बनाए हैं. हाँ, यू आर राइट. दाल में तो नमक डाला नहीं, पहला डाला, लेकिन उसमें तड़के में नहीं डाला. और दाल में नमक कम था ना, तो मैंने बोला था मैं डालूंगी, लेकिन मैं नहीं डाली. एंड आपने पकड़ लिया, वेरी गुड. और श्रुति ने देख लिया कि आपने मुझे पकड़ लिया, वेरी गुड. मैं डाल देती हूँ, अभी डाल सकती हूँ. और ये तो मैंने आपके लिए प्लेटिंग की है, अभी बाकी की तो दाल पड़ी है, उसे तो मुझे घर वालों को दिखाना है. तो फोटो तक तो काम हो जाएगा. आपको पता है ना कि दाल में नमक एडजस्ट करना है, तो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है. बट गुड, यू पॉइंटेड इट आउट. वेरी 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 गुड एंड वेरी 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 थैंक यू. ये क्या इंग्लिश है? मैंने अभी टेस्ट भी किया है, तभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है. बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग दीज टिंडास आर. ये आप जरूर बनाइए इस वीकेंड में गाइस, और खाइए और खिलाइए अपनी फैमिली को. और बाय द वे, मेरा एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है जो आप सबको बहुत पसंद आएगा. आई थिंक मे फर्स्ट वीक इज व्हेन वी आर कमिंग आउट विद इट. कल आपने देखे थे ना मेरे स्टोरीज, मैं कल उसी की शूट कर रही थी. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचूर शेफ एंड बियॉन्ड, मेरा जो यूट्यूब चैनल है. तो जो जो नए नए रेसिपीज मैं बनाती रहती हूँ वो आपको देखने को मिलेंगे. इसमें सीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है. इसमें मैं और धनिया भी नहीं डालूंगी. इट्स लुकिंग जस्ट ब्यूटिफुल. जस्ट चेक दिस आउट. ये भरवे टिंडे आप खाइए और बनाइए एंड मुझे याद करिए, बिकॉज ये वाकई बहुत अच्छे है. मैं इसलिए इतने एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं ये बना रही हूँ और मुझे मेरी माँ का हाथ का वो जो वो फ्लेवर है, वो खुशबू है, वो आ रहा है. आई एम लुकिंग फॉर द चटनी का थिंग. हाँ, चटनी अब थोड़ी थोड़ी थिक हो रही है, धीरे धीरे अपनी शक्ल ला रही है. ब्यूटीफुल. वन सेकेंड, आई वांट टू वॉश माय हैंड्स, गंदे हो गए. इसमें मैं नमक डालने वाली नहीं हूँ दाल में, तो अगर डालूंगी तो मेरे तड़के का जो प्रेजेंटेशन है वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो तो मैं डालने वाली हूँ नहीं. बट लाइक आई सेड, मेरी बिंदी गिर गई श्रुति. लाइक आई सेड, मैं बाद में उसे एडजस्ट कर लूंगी. अब मैं वापस चटनी को चक कर रही हूँ. गाइस, इस चटनी इज वाओ. ओके, हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ और ताकि उस खट्टास को वो काटे. चीनी अब एकदम परफेक्ट है. अगर आपको और मीठा चाहिए तो आप ऑफ कोर्स अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. बिकॉज भाई आप आम की चटनी बना रहे हैं, कच्चे आम की चटनी बना रहे हैं, तो खट्टी तो होनी चाहिए ना. उसको पूरा मीठा कर दोगे तो क्या मजा आएगा. तो खट्टी मीठी वाली चटनी होनी चाहिए विद अ लिटिल मिर्च. थोड़ा सा मिर्च बढ़ सकता है इसमें. हल्का सा मैं रेड मिर्च डालूंगी एंड मुझे बाद में थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालना है. दैट जीरा पाउडर विल गिव इट दैट रियली यमी चटपटा टेस्ट. तो ये एंड में आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, बिकॉज दैट विल रियली रियली अप द फ्लेवर. ओके, तो मैंने अब इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर देना है. लवली. श्रुति, मैं करे जा रही हूँ, लेकिन वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही करे जा रही हूँ.
तो तुम भी एक बार ट्राई कर लो, क्या लगता है? हाँ, तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, तुम तो नहीं बोलोगी कि बोलोगी? चलो बोलेंगे तुम भी ऐसे ही बोल रही हो, है ना? तो अब आप ही बनाइए, आप ही खाइए एंड आप ही उसका क्या उसको कहते हैं, उसका वोट दीजिए कि वाकई यम्मी है कि नहीं. ओह, वी आर स्टिल एट द एज, टू थ्री पीपल हैव गॉट इट राइट. फूड एंड थॉट्स ऑसम सच. शिल्पा शर्मा, रजनीत भाटिया, ओके, टाइम का ध्यान देते रहना भाइयों बहनों. प्रमोशन फॉर लाइव, घर की शेफ, हेलो. या I'll be back next Friday, but sending positive love in advance and loads of love. Thank you, guys. Thank you so much. Oh, I know about that namak. Minal, what does Agastya do when you go live? Include him in one day. अरे नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैंने इतनी बार बोला, not that वो यहाँ पे है. Agastya की life इतनी ज़्यादा hectic है कि मैं क्या बताऊँ. आप लोग की life इतनी hectic नहीं होगी जितनी मेरे बेटे की life hectic है. वो football खेलता, अभी भी देखिए धूप में 3 से 5 फुटबॉल खेलने के लिए वो अपने दोस्त के साथ गया हुआ है. तो मैं क्या करूं, जिस समय भी, और 6 बजे जब करती हूँ तो भी उस समय वो खेलता है. ही लव्स हिज फुटबॉल. कभी कभी उसका ट्यूशन चल रहा होता है. आप लोगों को दिख रहा है ना मैं सर्व कर रही हूँ? दिख रहा है ना श्रुति? क्योंकि मुझे यहाँ धूप की वजह से नहीं दिख रहा है. हाँ. तो अब देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो गई है. Can you see this? Beautiful. It's really, really nice. तो मैंने काफी सारा पानी डाला था, if you notice. लेकिन अब ये, this has become nice and thick and just gooey, which is absolutely amazing. And ये जो गुठली है, इसका तो मजा ही कुछ और है. तो अब ये आप खाने के साथ खा भी सकते हैं और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं. अगर आप गुड़ भी डालेंगे तो भी आप उसे स्टोर कर सकते हैं, और चीनी डालें तो भी आप उसे स्टोर कर सकते हैं. एंड जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. आई शो यू द कंसिस्टेंसी विद अ फ्रेश स्पून ऑल ओवर अगेन. तो एक एक करके सारे डिशेस ले आओ, मैं दिखा देती हूँ एक बार सबको. गरम है. Can you see this gorgeous consistency? It's nice and lumpy and thick. And इसके अंदर छोटे छोटे आम के pieces हैं. And ये जो कलौंजी है जो आप देख सकते हैं ना कि धूप आ रही है, काला काला जो spot है and soft है, उसकी जो खुशबू है, it's just absolutely amazing. Okay? And ये दाल मैंने आपको पहले दिखाया था. Yes, I know, इसमें नमक कम है, लेकिन बाद में adjust हो जाएगा photo के बाद. And finally, sambar vetinde, yum yum yum. This is really the best, and this I would actually, everything is amazing. ये पूरा meal आप एक साथ बनाइए, because आप मुझे जरूर याद करिएगा. And अगर आपने इस weekend को ही बनाया तो बहुत 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 याद करिएगा, ठीक है? So चलिए इसी के साथ goodbye का time आ गया है इस Friday के लिए. I hope आपको आज का session पसंद आया. फिर मुझे तो बहुत ही पसंद आया. And I totally enjoyed the entire meal. Unfortunately, आज घर के खाने में कोई नहीं है except for Agastya. अरे Agastya को आज जब मैं वो videos आपके साथ share कर रही थी तो आपने सुना ना, हाँ हाँ मैं खा लूंगा टिंडे, ऐसे पहले बोल रहा था boring है, but he actually loves all vegetables. I love all vegetables and my mother used to love all vegetables. तो हम लोग ने बचपन से सारी सब्जियां खाई हैं, कद्दू, टिंडे, भिंडी, बैंगन, सब कुछ खाया. और मेरे बेटे को भी मैंने शुरू से सब कुछ खिलाया. तो कभी कभी नाटक करता है, लेकिन इंडियन वर्जन में जब उसको बना के दो तो चुपचाप से सब कुछ खा लेता है. तो आप ये मसालेदार भरवे टिंडे जरूर घर में बनाइए. एक तो बहुत हेल्दी है, कूलिंग भी है इस गर्मी के समय में. इट्स अ नाइस लाइट मील ऑल्सो इन इट्स ओन वे. इसके ऊपर अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा गर्म मसाला डाल सकते हैं, बट आई डोंट लाइक टू पुट इट, जस्ट मेक्स इट टू हीटी, स्पेशली नॉट इन द समर. सो जस्ट मेक इट द वे दिस इज एंड enjoy. Bye bye. See you next Friday. Lots of love. Bye Kavita. I just saw you. Bye. Bye Deepika. Can I come home for dinner? Yes, please. Not tonight, but you can. You can eat. I won't be there. Mama's girlfriend. Hello. Nice to see you. अपनी मम्मी के टिंडे याद दिला दिए है ना. मेरी भी मम्मी ऐसी बनाती थी. मुझे भी मैं मिस करती हूँ मेरी मम्मी के कुकिंग को. पर ठीक है, कोई बात नहीं.
ओके चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय घर की शेफ, बाय प्रियंका, बाय गाइस, सॉरी हूएवर हैज मिस्ड एनी, आई हूसोएवर्स कमेंट आई हैव मिस्ड एनी इंपॉर्टेंट कमेंट, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डीएम मी, यू नो आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड. Bye.